फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूपालीज गुड लाइफ। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल चने और हलवे का प्रसाद। इसे कुछ लोग अष्टमी वाले दिन बनाते हैं, कुछ नवमी वाले दिन बनाते हैं, और जो लोग व्रत रहते हैं इसे खा के अपना व्रत खोलते हैं। तो देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम चने का प्रसाद बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम हलवा बनाएंगे। चने का प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप चने लिए हैं। इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगो के रख दिया था। अब हम इन चनों को एक प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। चने डाल के हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हमें इन चनों को हाई फ्लेम में 3 से 4 सीटी पकाना है और इसके बाद लो फ्लेम पे हमें इसे 10 से 12 मिनट पकाना है। तो अब हम इसे गैस में चढ़ा देते हैं और जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने एक बोल में 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करके इनको चला लेंगे और भीगने के लिए रख देंगे। इन सूखे मसालों में मैंने पानी इसलिए मिक्स करके रखा है क्योंकि जब हम चनों को फ्राई करेंगे तो मसाले पक जाएंगे अच्छे से और जलेंगे नहीं। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं 15 मिनट ही भिगो के रखना है। तो देखते हैं, अब हमारे चने भी बॉयल हो गए। कुकर की स्टीम पूरी तरह से निकलने के बाद ही मैंने प्रेशर कुकर खोला है। तो अब हम इन चनों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चनों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन चढ़ाया है। पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। तेल गरम होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च स्लिट करके रख ली थी, उसको भी डाल देंगे। हम गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। अब हम यहाँ मसाला ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। अब हम मसालों को मिला लेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। 1 से 2 मिनट बाद जब हमारा मसाला पक जाएगा तब हम इसमें चने डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। ये देखिए मसाला पक गया है, अब हम इसमें चने डाल देते हैं। अब हम चनों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चला लेंगे अच्छे से और इसका पानी सूखने के बाद हमें इसे ढक के भी पकाना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे ढक के लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए पका लेंगे। दस मिनट बाद हम इसका लिड ओपन करेंगे। ये देखिए हमारे चने अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें एक बार चला लेंगे और ये देखिए चनों का कलर बहुत अच्छा आया है। लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैंने इसे थोड़ा स्पाइसी बनाया है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो जो शुरुआत में मैंने हरी मिर्च डाली थी आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल के इसे ढक के रख देंगे और हलवा रेडी कर लेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें 1/4 कप देसी घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद
हम इसमें 1/2 कप सूजी डाल देंगे। हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। फ्रेंड्स अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है। मैंने जितनी सूजी ली थी उसका हाफ घी लिया है। 6 से 7 मिनट हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। आप सूजी को जितना भूनेंगे हलवे का फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा। 6 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे सूजी लाइट ब्राउन कलर की होने लगेगी। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगा है। तो अब इस स्टेज में हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम में भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो अब जो सूजी का कलर है वो एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको अभी भी गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि सूजी जले ना। और अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। तो अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, मैंने उतनी ही सूजी ली थी। चीनी को मिला लेंगे अच्छे से। इस समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। चीनी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ, आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इसको चला लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कार्डमम पाउडर स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं इसे भूनते समय। तो अब आप देख सकते हैं हलवा बनके रेडी हो गया है। इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो हमारा 9वीं स्पेशल प्रसाद बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।